सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है ए और बी दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं 3:2 रेशो में। कैपिटल लगा रखे ए ने 50,000, बी ने लगा रखे 30,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्रीड 6%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 6% पर एनम। बी को कहता है सैलरी भी देनी है, कितनी देनी है एनुअली, 2,500 रुपये दे देंगे भाई, हमारे कौन सा घर से जानी है। लिखा है ड्यूरिंग 2015-16 प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर, ये प्रॉफिट दिया हुआ है हमारे को, क्या दिया हुआ है प्रायर टू कैलकुलेशन, क्या चीज। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं काटी है, नहीं काटी है तो बढ़िया है भाई, हमारा काम है, हम प्रॉफिट एंड लॉस है प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं और हमारा काम है पार्टनर की जो इंटरेस्ट काटना जो उनकी कैपिटल के ऊपर है और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। बट कहता है आफ्टर, कहता है क्या काट लिया है, चार्जिंग बी की सैलरी काट दी। भाई ये तो गलती कर दी तूने, तूने काट दी, लेकिन काटना किसका काम है, हमारा काम है, हम काटेंगे, तो आपने काट दिया, पहले हम क्या करेंगे ऐड करेंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर को, बी पार्टनर को। कितना दे रखा है हमारे को प्रॉफिट, 12,500। उसके बाद क्या कहता है प्रोविजन बनाना है, कितना 5% किस पे प्रॉफिट पे, किसको देना है, ये मेड टू बी रिस्पेक्ट मैनेजर कमीशन। मैनेजर कौन है, पार्टनर तो नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ बाय नेट प्रॉफिट। कितना दिया हुआ है नेट प्रॉफिट हमारे को, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है कुछ, 12,500 हमारे को प्रॉफिट दिया हुआ है। कहता है 12,500 में से, कहता है आपने 12,500 कब आया, ये सैलरी काटने के बाद, तो सैलरी ऐड करो कितनी थी, ये थी 2,500 रुपये सैलरी, तो 2,500 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 15,000 हो जाएगा, ठीक है। अब 15,000 पे कहता है क्या दे दो, कमीशन दे दो किसको, मैनेजर को, कितने परसेंट, 5%, तो 5 डिवाइड बाय 100 डिवाइड करोगे 2 जीरो से, 2 जीरो काट दो, ठीक है। ये आ जाएगा 150 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, तो कितना आ जाएगा 750, तो 750 किस में से माइनस करोगे आप, 15,000 में से 750 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 14,250 आपका जो नेट प्रॉफिट बनेगा। इसमें प्लस क्या करना है आपने, सैलरी, सैलरी किसको दी थी आपने, बी को, कितनी, 2,500, ठीक है, ये कितना आ गया था आपका 15,000, ठीक है। माइनस क्या करोगे, कमीशन, ठीक है, क्या रेट से, 5% से, कितना बनेगा कमीशन आपका, 750, तो ये माइनस करने के बाद आपके पास कितना बचेगा, 14,250। आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के भी कर सकते हो, कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दो, ठीक है, उसके बाद क्या लिखो आप यहाँ पर, ठीक है, ये बना दिया, यहाँ क्या लिखो बाय ग्रोस प्रॉफिट, कितने का ग्रोस प्रॉफिट हुआ था, ये हुआ था 15,000 का, क्योंकि हमने सैलरी काट दी थी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15,000, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 15,000, और टू क्या पे करना है, मैनेजर कमीशन कितना है, 750, ठीक है। उसके बाद इसको टोटल करो कितना आ जाएगा, ये 15,000, यहाँ भी कितना आ जाएगा 15,000, टू नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका 14,250, और ये आपने कहाँ उतार लिया, यहाँ, तो ऐसे भी कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मेन तो काम है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना। अब क्या देना है इनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कैपिटल कितने लगा रखे इन्होंने, 50,000 और 30,000, तो क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है, ए को देना है और बी को देना है, दे दो भाई कितना है, ये देना है 6%, तो 2 जीरो काट दो तो कितना बन जाएगा ये, 1%, तो 6% देना है, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 3,000 बन जाएगा फर्स्ट का, तो इसको कितना दे दो आप, 3,000 दे दो, ठीक है। बी का कितना बन जाएगा आपका, ये बी का बन जाएगा 1,800, ठीक है, और ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये, 4,800 आ जाएगा आपका। उसके बाद क्या देनी थी, सैलरी देनी थी, किसको देनी थी, बी को, तो बी कैपिटल अकाउंट कितना था, 2,500, तो यहाँ लिख देते हैं ए और बी, साथ साथ एडजस्टमेंट डाल देते हैं ए और
बी, यहाँ पर क्या है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ठीक है। बी डी कितनी, 50,000 और ये 30,000। उसके बाद क्या मिला आपको, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला यहाँ पर, 3,000 और ये 1,800, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कितना मिला आपको, उसके बाद ये डाल दिया हमने, उसके बाद सैलरी मिली बाय सैलरी, ठीक है। ए को मिली नहीं, बी को मिली थी कितना, 2.5 के, मतलब 2500 मिली थी। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रॉफिट लॉस बचता है जितना भी, तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, किसके अकाउंट में, ए के अकाउंट में और बी के अकाउंट में। कितना बचा है हमारे पास, टोटल अमाउंट था 14,250 और 14,250, तो 14,250 में से आप क्या माइनस करोगे, 4,800 माइनस करोगे फर्स्ट, तो ठीक है। उसके बाद क्या माइनस करोगे, 2,500 फिर माइनस करोगे, ठीक है। आपके पास कितना बच गया, ये 6,950, ठीक है। और इसको कितने से डिवाइड करोगे, अब आप इसको डिवाइड करोगे, 6,950 को डिवाइड करोगे किस रेशो में, डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आ जाएगा, हिस्से में एक हिस्से में आ जाएगा 300, 1390। और इसको कितने देने हैं, फर्स्ट को 3 हिस्से देने हैं, इंटू 3 कितना आ जाएगा, 4,170। और बी को कितना देना है, इसमें से माइनस करो कितना, ये देने हैं 2 हिस्से, ठीक है। तो 1390 को कितने देने हैं, 2 हिस्से देने हैं, ठीक है ना। 2 हिस्से दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2780 टोटल कर देना, ये क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से अमाउंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4,170, और ये कितना आ जाएगा, 2,780, ठीक है। अब क्या कर लेना है आपने, टोटल कर लेना है, कितना है यहाँ पर, 30,001 है प्लस 1.8 प्लस 2.5 प्लस 2.780, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, 37,000 और ये 80, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 37,080। पार्टनर ने कोई ड्रॉइंग तो नहीं की, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, नहीं है, तो कितना आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी कैरी डाउन कितना आ जाएगा, 37,080। और यहाँ कितना आ जाएगा, ये था 50,000 प्लस कितना आ गया, 3,000 प्लस कितना आ गया, 4,000, तो ये कितना आ जाएगा, 57,170, 57,170, 57,170। तो आपने ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करना। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।